हेलो एवरीवन, आई एम आमिर खान, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। टुडे आई विल टीच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th केमिस्ट्री एंड द टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जितना भी वीडियो इस चैनल पर है, प्लेलिस्ट पर है, आप ज़रूर जा कर के देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ पर दो चीज़ें, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो जहां तक बात है फिजिकल प्रॉपर्टी का, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिजिकल प्रॉपर्टी स्टूडेंट टेम्परेचर पे और प्रेशर पे डिपेंड करता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर किस फॉर्म में होगा, आइस के फॉर्म में, जबकि 100 डिग्री या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर वाटर किस फॉर्म में होगा, वेपर के फॉर्म में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। जबकि आज के टॉपिक का हमारा नाम क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टी की जब बात आती है ना, तो यहां पर चर्चा होती है रिएक्शंस की। तो एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टी का सेंस है यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन का मतलब है, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज में ना मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे। तो देखिए मेटल का किसके किसके साथ रिएक्शन देखना है, मेटल का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप यहां पर से देख सकते हैं। मेटल का सबसे पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे नॉन मेटल के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल। फिर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेस, मेटल का रिएक्शन देखेंगे बेस के साथ, हालांकि कुछ ही मेटल बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, मेटल का रिएक्शन देखेंगे वाटर के साथ। एंड सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट, मेटल का रिएक्शन सॉल्ट के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। ओके, तो स्टूडेंट आज के टॉपिक का हमारा नाम क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अगर आपने इन सारी चीज़ों को नोट नहीं किया है तो आप जल्दी से पहले नोट कर लो। तो देखो स्टूडेंट, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। व्हेन अ मेटल इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। मैं यहां पर आपको इक्वेशन देना चाहता हूं, देखिए मेटल ओके प्लस ऑक्सीजन, तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में बनेगा मेटल ऑक्साइड। चलिए ये चीज सबको समझ में आया, व्हेन अ मेटल इज रिएक्ट विथ नॉन मेटल टू फॉर्म व्हाट, मेटल ऑक्साइड। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड आपको बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट, मान के चलिए मैग्नीशियम है, Mg सॉलिड, मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे O2 गैस के साथ तो रिएक्शन होगा, हालांकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड। तो अब यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर तैयार हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी 2, तो 2-2 कैंसिल हो गई। उसी तरह अगर सपोज डैट अगर हम सोडियम सॉलिड लेते हैं स्टूडेंट, और सोडियम सॉलिड को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा सोडियम ऑक्साइड Na2O सॉलिड। अब यहां पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं, दी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, इस चीज को हमेशा हम लोगों को याद रखना है। ओके, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां पर ये मैग्नीशियम वाले रिएक्शन में आपको एक काम का चीज मैं बताना चाहता हूं, काम का चीज ये बताना चाहता हूं कि NCERT बुक चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 CBSE, वहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर।
मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्यों क्लीन करते हैं एयर में बर्न करने से पहले। जैसे सपोज डैट कि मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन भी आता है आपको एक फिलामेंट के जैसा होता है, लंबा थ्रेड के जैसा, वायर के जैसा। तो मैग्नीशियम रिबन को हम लोग ना बर्न करने से पहले उसको क्लीन करते हैं सैंड पेपर या किसी भी चीज़ से। क्यों? क्योंकि जहां तक बात है मैग्नीशियम रिबन का स्टूडेंट, तो जो मैग्नीशियम रिबन होते हैं ना, लगातार लेबोरेटरी में रहने के वजह से उनके ऊपर ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है या कार्बोनेट का एक लेयर चढ़ जाता है। तो वो ऑक्साइड और कार्बोनेट का लेयर उसको कंबशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको उसका ठीक से कंबशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे क्लीन करते हैं। जैसे हम लोग खाना खाने से पहले प्लेट धोते हैं ताकि उसके ऊपर की गंदगी निकल जाए, कपड़ा पहनने से पहले उसको साफ करते हैं ना ताकि गंदगी निकल जाए, उसी तरह मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन करते हैं। क्यों? ताकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड का या कार्बोनेट का लेयर है वो क्लीन हो जाए, साफ हो जाए, ताकि मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या जले, मैग्नीशियम ही जल पाए, ना कि उसके ऊपर का लेयर। क्लियर हुआ? तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? मेटल ऑक्साइड। एंड एज वी नो दैट द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। और एक बात आपको याद रखना है, मेटल ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं ना स्टूडेंट, तो बेस का फॉर्मेशन होता है। जी, जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए, आप क्या कीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड को लीजिए, इसको रिएक्ट कराइए H2O लिक्विड के साथ, ठीक है? तो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, फॉर्मूला होगा MgOH का होल 2, और ये क्योंकि पानी में बना है तो इसलिए एक्वस लिखना जरूरी है। और इसी तरह सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इससे ये प्रूव हुआ द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। क्लियर हुआ? और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, अगर मेटल के ऑक्साइड में हम रेड लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस का प्रॉपर्टी है कि बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।